हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ विभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साकसुका की रेसिपी। यह एक मिडल ईस्ट रेसिपी है जिसे मैं इंडियन तड़का डालकर बना रही हूँ। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने ये टमाटर, चार टमाटर पीस करके लिया है, बड़े बड़े साइज का टमाटर। गार्निश के लिए धनिया पत्ता, एक चम्मच जीरा, ये सब्जी मसाला, चार प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन कटा हुआ, और यहाँ लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, ये सब्जी मसाला, हल्दी, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, ये कश्मीरी मिर्च, और ये नमक। ठीक है, मैंने पैन कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पर, और इसमें मैं तेल डाली हूँ। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, कटा हुआ लहसुन, और ये हरी मिर्च, प्याज डालने जा रही हूँ। इसको मैंने चॉप कर रखा था। प्याज में मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि नमक डाल देने से प्याज में जो मॉइस्चर रहता है वो जल्दी पक जाता है प्याज। इसलिए थोड़ा सा नमक मैं अभी डाल रही हूँ और बाद में मैं डाल दूंगी। आज मैं फ्रेंड्स अपने किचन से बाहर आकर के ये डिश बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों नॉन वेज खाते हैं, और मैं नहीं खाती हूँ लेकिन बनाती हूँ। इस वजह से मैं अपने किचन से बाहर आकर के इस डिश को बना रही हूँ। मैं जब भी नॉन वेज डिश डालूँगी तो किचन से बाहर आकर के फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए शिमला मिर्च ये डाल देंगी, ये चला गया शिमला मिर्च, ये चला गया शिमला मिर्च। इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा, बस दो चार मिनट इसको भूनना है, ये थोड़ा भुना जाए शिमला मिर्च। बस में ये अदरक, लहसुन पेस्ट, अदरक, सब्जी मसाला, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, इसको बीच बीच में ढक ढक करके, मसाला पक चुका है, ढक ढक के इसको पकाना है। ये टमाटर, जो चार टमाटर बड़े साइज के मैंने पीस करके रखे थे वो उसको डाल दिया टमाटर को। इस तरह से मैं मसाला को हटा करके ये डाल रही हूँ अंडा, और इस पर गोल मिर्च पाउडर और नमक, ताकि ये थोड़ा चटपटा लगे खाने में।
दूसरा अंडा के लिए। इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ, ढक के पकाऊंगी 5 मिनट ताकि अंडा ठीक से पक जाए। पिज्जा सीजनिंग हर्ब्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, हो तो डाले ना तो चलेगा। धनिया पत्ता से मैं गार्निश कर रही हूँ। अब मैं इसे उतार रही हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है साग सुखा की रेसिपी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।